नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है एक ऐसे शख्स पर जिसने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। अक्सर व बेशतर जब भी कोई नौजवान फिट होता है मुकम्मल तौर पर उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उसे। जब आप कोई काम करने के लिए बोलो वो हज़ार बहाने बनाता है। लेकिन बिजबिहारा अनंतनाग का रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसका नाम आमिर हुसैन लोन है, उसने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे बाकी नौजवानों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। आपको बताते हैं आमिर हुसैन लोन बिजबिहारा अनंतनाग का रहने वाला एक ऐसा शख्स है जिसकी दोनों बाजू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रिकेट खेलता है। आप सोचिए यहाँ जिन लोगों के दोनों बाजू, दोनों पाँव, दोनों हाथ सब कुछ मौजूद है उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आमिर हुसैन लोन ने वो सब कर दिखाया। उसने ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, ख्वाहिश है आपके अंदर कुछ करने का, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आमिर हुसैन लोन को सारे गा मापा शो में जो है इनवाइट किया गया था, स्पेशल इन्विटेशन मिली थी आमिर हुसैन लोन को अनु मलिक की जानिब से, और उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए कहा गया था। जब आमिर हुसैन लोन ने अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दिया, वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे, जितने भी जजेस मौजूद थे, वो सब उनकी आंखें जो है नम थी, यानी कि तमाम ऑडियंस का और जजेस का उन्होंने जो है दिल जीत लिया। क्योंकि आमिर हुसैन ने जब अपनी लाइफ की स्टोरी जो है वो शेयर की, इस मौके पर वहाँ पर जो है अनु मलिक, हिमेश रेशमिया और विकी कौशल जैसे सुपरस्टार भी मौजूद थे। विकी कौशल ने कहा, और वाकया में आप बहादुर हो, आपने एक मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। मैं एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहा था और जब भी मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो मैं आपकी पिक्चर जो है ज़रूर उसमें ऐड करूंगा। आपको ये बताते कि आमिर हुसैन ने इस शो में अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की, उसमें उन्होंने बताया जब वो 8 साल के थे उनके दोनों बाजू मशीनरी में आकर कट गए थे। वो कटे कैसे थे मैं आपको बता दूं कि आमिर हुसैन को उनकी माँ ने ये कहा था कि आप खाना लेकर अपने भाई के पास चले जाइए। आमिर हुसैन के फादर की अपनी सा मिल थी जिसे उनके घर वाले और बाकी कुछ मजदूर जो है ऑपरेट करते थे, चलाते थे, वहाँ पर काम करते थे। आमिर हुसैन को खाना लेकर जाने के लिए बताया गया, आमिर हुसैन लंच लेकर गया तो वहाँ पर उनकी जैकेट जो है वो मशीनरी में फंस गई और उनके दोनों बाजू कट गए। उसके बाद आमिर हुसैन के बाप ने उस सा मिल को जो है बंद भी कर दिया, लेकिन वक्त जा चुका था और आमिर हुसैन का जो सपना था, उनका सपना था कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है, उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है। आमिर हुसैन के दोनों बाजू कट जाने के बाद अब आमिर हुसैन को ये लग रहा था कि उनका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए जिस शख्स की दोनों बाजू नहीं है वो क्या कर सकता है। दोनों बाजू से मजदूर होना कोई आम बात नहीं होती। लेकिन आमिर हुसैन ने बिजबिहारा डिग्री कॉलेज से जब फर्स्ट ईयर पास कर दी, उसके बाद उनकी एक टीचर ने आमिर हुसैन के अंदर की सलाहियत को देखा और उन्होंने कहा कि आप जो है क्रिकेट खेल सकते हो। उसके बाद आमिर हुसैन के अंदर के जो जज्बा था, जोश था, शौक था, वो दोबारा पैदा हो गया। आमिर हुसैन का ये भी कहना है कि मुझे मेरी दादी ने मेरे अंदर के टैलेंट को देखा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। आमिर हुसैन ने कहा कि एक दिन मैंने अपनी दादी से कहा कि आप मुझे बॉल फेंकिए, मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं क्रिकेट खेल पाऊँगा या नहीं। लेकिन आमिर हुसैन ने जब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आमिर हुसैन ने जब कॉलेज ज्वाइन किया, उन्होंने फर्स्ट ईयर पास की, वहाँ पर पैरा क्रिकेट कैंप चल रहा था जहाँ पर एक टीचर ने आमिर को यह सलाह दी कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, आप जो है क्रिकेट खेल सकते हो। उसके बाद आमिर को पैरा क्रिकेट कैंप में खेलने का मौका मिला। जब उनकी बैटिंग करने की टर्न आई, उनने जो है पहली बार में 30 रन स्कोर कर दिए। उसके बाद पैरा क्रिकेट कैंप की जानिब से उन्हें जो है एज अ कैप्टन जम्मू कश्मीर का चुना गया। आमिर हुसैन को बांग्लादेश में भी मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उनने इंटरनेशनल सतह पर अपने देश को जो है रिप्रेजेंट किया, उनने वहाँ पर भी पैरा क्रिकेट में जो है परफॉर्म किया। और उसके बाद आमिर ने ये कहा कि मेरा सपना था कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ और सचिन तेंदुलकर जैसा बनूँ। आप सोचिए कि बाजू से मौजूर होकर भी इस शख्स ने कितनी कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन आमिर ने यह बताया कि जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ उसके बाद मुझे अपना सब कुछ सब संभालना पड़ा, क्योंकि मेरा ख्याल पहले जो है मेरी दादी बहुत ज़्यादा रखती थी, लेकिन जब से मेरी दादी का इंतकाल हुआ है उसके बाद मुझे अपना ख्याल जो है वो खुद ही रखना पड़ा। स्टोरी आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ इतना सा था
कि अगर आप लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, आपके अंदर सलाहियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, बाजू से माजूर होने वाला एक शख्स जिसके दोनों बाजू कट चुके हों, उनने भी दुनिया की वो हर उपलब्धियाँ हासिल की जिन्हें एक ठीक ठाक इंसान, अच्छा खासा इंसान भी नहीं कर सकता। बहरहाल आमिर हुसैन के बारे में आप सबकी क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।